सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। हमारे मोहल्ले में आए दिन मतलब ये गंदगियां फैलती हैं। अभी एक हफ्ते से जो है मछली, कोई कहता है कि किसी ने दवा डाल दी तो मर गई, कोई कहता है कि गैस बनी पानी बरसने के कारण, तो मछलियां काफ़ी मर गई हैं। एक दो नहीं, अगर देखा जाए तो ठेला लगा के अगर मछली भरी जाए तो पूरी मछली भर जाएंगी। इतनी मछलियां हमारे घर के पीछे फैली हुई हैं, इतनी बदबू आ रही है कि हमारा सांस लेना खाना पीना हराम हो गया है। तो हम ये चाहते हैं, और ठेकेदार से शिकायत की तो वो कहते हैं कि ठीक है साफ करवा देंगे। SDM साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन कहा था मैंने, देखो पता नहीं मुझे गया कि नहीं गया, और चेयरमैन साहब से भिजवाया, लेकिन कोई फ़ायदा अब तक नहीं हुआ। एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया, मछली सब जीना हराम कर दिया हम लोगों का। इस सामने जो तालाब पड़ता है, पता नहीं आज लगभग चार तीन चार दिन से मछलियाँ पूरी मर चुकी हैं। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे, बालक बालिका सभी पढ़ते हैं, जिससे बच्चे गंदगी के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, मुँह नाक दाबे दिन भर बैठे रहते हैं, काफ़ी परेशान हैं, अध्यापक भी काफ़ी परेशान है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, आज तक कोई अधिकारी यहाँ नहीं आया, जबकि बच्चे बहुत परेशान हैं और मोहल्ले वासे भी परेशान हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, पता नहीं वो लोग क्या करें, कैसे करें, रुमाल दापते हैं, कहीं मुँह दापते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। अरे यहाँ 7-8 दिन से यही गंदगी है जो है, यहाँ निकलना दुर्लभ है जो। अरे जो है ठेकेदार ध्यान नहीं देते हैं जो है, अब यहाँ जो है पूरी रास्ता जाम है जो है, और सब लोग नाक दाब दाब के जाते हैं, बीमारी का घर है इसको। मछली पालन होता है, कोई दवा डाल दिया है तो मर गई। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।